हिंदी और मराठी सिनेमा के मशहूर एक्टर विक्रम गोखले का कल रात निधन हो गया था और जिसकी खबर इस वक्त पूरी इंडस्ट्री में फैल चुकी है। अजय देवगन समेत कई बॉलीवुड स्टार्स ने उनके जाने पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी, लेकिन आपको बता दें कि विक्रम गोखले की मरने की खबर दरअसल झूठी है और इस बात की जानकारी खुद उनके घर वालों ने दी है। हालांकि अभी भी विक्रम हॉस्पिटल में एडमिट है। विक्रम की पत्नी ने इस अफवाह को झूठा करार करते हुए कहा कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन वह अब भी हमारे साथ है और वह कल दोपहर में कोमा में चले गए थे और उसके बाद वह छूने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। वह वेंटिलेटर पर है। उनकी सेहत के आधार पर कल सुबह डॉक्टर तय करेंगे कि हम क्या करेंगे और क्या करना है। इसके बाद विक्रम गोखले की बेटी ने अपना बयान पेश किया। उन्होंने कहा कि पापा की कंडीशन अभी काफ़ी क्रिटिकल है, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उनकी बेटी ये भी कहते हुए नजर आए कि सभी उनकी सलामती के लिए दुआ करें। आपको बता दें कि विक्रम गोखले ने संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या के पिता का रोल निभाया था। इसके अलावा उन्होंने भूल भुलैया, दिल से, अग्निपथ, दे धनाधन, हिचकी, निकम्मा और मिशन मंगल जैसी फिल्मों में भी काम किया। वह अब तक 97 हिंदी फिल्मों में और 70 मराठी फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब वह अपकमिंग वेब सीरीज अम्बेडकर द लेजेंड में नजर आने वाले हैं। बता दें कि विक्रम गोखले 5 नवंबर से पुणे की दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती है और हम आशा करते हैं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी बॉलीवुड जगत की तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।